हेलो दोस्तों, राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2023 रिपोर्टिंग फिश डेट जो यहाँ पर उसमें कुछ संशोधन भी हुआ है और सेकंड लिस्ट जो है आखिरकार कब जारी होने वाली है, क्योंकि पीटीटी कैंडिडेट्स के काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे हैं कि आखिरकार पीटीटी एग्जाम में जो है यहाँ पर जो डेट एक्सटेंड हो रही है और काफ़ी जो है डिले हो रहा है सेशन में, तो यहाँ पर कब से सेशन शुरू होने वाला है, कब फाइनल जो है रिपोर्टिंग की डेट और फीस रिफंड जो है जिसने भी काउंसलिंग कॉलेज अलॉटमेंट हुई लेकिन यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करवाई है तो उनकी क्या फीस रिफंड कब होगी, और यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर काउंसलिंग करवाई है और जिनको अलॉट भी हो चुकी है तो यहाँ पर उनकी भी फीस रिफंड कब होगी, तो सेकंड काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा, इस वीडियो में आप सभी को ऑल अपडेट, ऑल जो डाउट्स है वो क्लियर करने वाला हो। और क्या सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर कॉलेज अलॉट होगी या नहीं होगी, कितनी लिस्ट जारी होगी, इस वीडियो में ऑल अपडेट आपको जो यहाँ पर बताने वाला हो। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर रिपोर्टिंग और फीस जो है यहाँ पर उसकी जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है। जैसे सबसे पहले हम सेकेंड ईयर यहाँ पर बीएड के लिए हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट एक्सटेंड हो चुकी है, तो यहाँ पर जो एक्सटेंड होकर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एडमिशन फीस है तो उसकी लास्ट डेट यहाँ पर की है 14 अगस्त तक जो है यहाँ पर फीस आप जो है यहाँ पर डिपोजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर 17 अगस्त, ठीक है, जो 17 अगस्त है वो यहाँ पर 17 अगस्त तक आप कॉलेज में जाकर आसानी से आप रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर डेट रहने वाली है 17 अगस्त और 14 अगस्त, ये जो दो जो डेट है वो यहां पर रहने वाली है, ये यहां पर आपको क्लियर कर देना है। अब हम बात करेंगे यहां पर सबसे पहले यहां पर जो है हम बात करेंगे सेकेंड काउंसलिंग, ठीक है, यानी सेकेंड कॉलेज जो अलॉटमेंट जो लिस्ट है वो यहाँ पर आखिरकार कब जारी होगी। तो आप सभी को फाइनली बता दूं, ये जो लिस्ट है अब 20 अगस्त के बाद ही जो यहाँ पर जारी की जा सकती है, जिस प्रकार से यहाँ पर जो है यहाँ पर डेट एक्सटेंड हो रही है तो यहाँ पर बताया जा सकता है। यहाँ पर कुछ सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर अपडेट है कि यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है, आपका जो सेकेंड काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो लगभग यहाँ पर 20 अगस्त के बाद जारी हो सकता है। अब हम बात करेंगे जो फाइनल कट ऑफ क्या रही है, तो फाइनल कट ऑफ में आप सभी को बता दूं कट ऑफ काफी कम है, क्योंकि जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुई है तो काफी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करवाई है और मे बी चांस है वो सीट है वो एम्प्टी रहेगी, खाली रहेगी, जिनको सेकेंड राउंड में जो यहाँ पर सीट है वो अलॉट कर दी जाएगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट को विजिट करना है rgstudymonitor.com, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं rgstudymonitor.com, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहां पर आप देख सकते हैं पीटीटी सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट 2023 काउंसलिंग की क्या कट ऑफ रही है, यहां से आप संपूर्ण अपडेट देख सकते हैं, ठीक है, क्या फाइनल कट ऑफ रही है, कब रिजल्ट जारी होगा, इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट रहेगा वो यहां पर यहां से आप आसानी से देख सकेंगे, कितने स्टूडेंट ने अभी तक काउंसलिंग करवाई है, कितनों को अलॉट हो चुके हैं, कितने बाकी है, तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं। तो क्या फाइनल कट ऑफ रहेगी यहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक all of